पहाड़ी पत्थर लग रही है, सब लकड़ी का यूज हो रहा है। ये देखिए, ये एक प्रकार का जो है, एक प्रकार का जो है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप देखते हैं लकड़ी सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो पेड़ है लकड़ी का है, और ये जो हम पत्थर को बिलो रहे हैं ये भी लकड़ी का है। और मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह एक व्यायाम है। गाँव के लोग जो स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, उसके पीछे यही लॉजिक है। जो लोग सुखी रहते हैं वो लोग जो है मट्ठा लगा के, ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। और अभी हम लोग मट्ठा लगाने के बाद मक्खन निकालेंगे और मक्खन, ताजे मक्खन को खाएंगे, और जो बच जाएगा उसका हम घी बनाएंगे। और ये एक पहाड़ी ऑर्गेनिक घी है, मट्ठा है, और बहुत ही जो है ये प्योर ऑर्गेनिक घी मिलेगी इससे, और प्योर ऑर्गेनिक दूध है, मट्ठा है, और ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें लकड़ी का ही बना हुआ है, लकड़ी की जो है रस्सी खाली जो है, ये और सब कुछ बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम आज अपने उत्तरकाशी शहर से 150 किलोमीटर दूर आ रखे हैं, और आधे घंटे में हमारे पसीने निकल गए हैं और मच्छा निकल गई है। गांव में स्वस्थ रहने का ये सबसे प्रबल साधन है। शाम को लोग पहले धान कूटते हैं, उसके बाद मच्छा लगाते हैं, और फिर इस मट्ठा को, ये ताजी मट्ठा को खाते हैं, और इस ताजी मट्ठा को खाने के बाद पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद। मैं बड़े बोला है पहले।